उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने जिला एमपीजी अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री ने ऑपरेशन थिएटर और एक्सरे रूम, जनरल वार्ड समेत अस्पताल की तमाम सुविधाओं का जायजा लिया और कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान मरीजों से बातचीत की और उनका हाल चाल जाना। आज आपने अस्पताल का निरीक्षण किया, क्या कमियां पाई गई? मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं निरीक्षण करता हूँ तो क्या मैं कमियाँ पाने के लिए ही निरीक्षण करता हूँ कि उसकी अच्छाई भी देखना चाहता हूँ? देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि हमारे इस 22 करोड़ के आबादी के लिए जो हमारे सीमित संसाधन हमको देती है उसके अंतर्गत हमारे हर जिले के अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अब जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू हो रहे हैं जिसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स बैठेंगे, इन पूरे स्ट्रक्चर को और लगभग 22 करोड़ की आबादी की लगभग 60% 60% लोग हमारे इन अस्पतालों पर आते हैं किसी के इन प्रकार अपनी सुविधा प्राप्त करने के लिए। हमारे पास 7,000 डॉक्टर्स की लगभग कमी है। इन कमियों के साथ हम कितना बेहतर सेवा दे सकें हर एक अस्पताल से, जहां हमारे पास सीटी स्कैन या डिजिटल एक्सरे या डायलिसिस के जो हमारे कॉन्ट्रैक्टेड पीपीपी मॉडल पर हैं या अन्य जिस तरह की सुविधा को हम बढ़ाते हुए और दवाइयों को हमने मेडिकल कॉर्पोरेशन से करते हुए जितनी भी सूची है उसको गोडाउन के माध्यम से हमने व्यवस्था कर भी दी है कि अब दवाई की भी कमी नहीं होगी। उन व्यवस्था के अंतर्गत इस भारी जनसंख्या को हमारे डॉक्टर्स और हमारे पूरे स्टाफ के लोग जितना भी हो सकता है उस हिसाब से वो देखते हैं। अब एक डॉक्टर एक मनुष्य है, अगर आप इसी अस्पताल में जो मुझे बताया जा रहा है लगभग 2000 के आसपास की ओपीडी यहाँ पर होती है, जो पिछले अस्पताल में गए थे लगभग 1500 की ओपीडी